अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होने वाले शंकराचार्यों में से एक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 22 जनवरी के कार्यक्रम से पहले दो चिंताएं व्यक्त कर दी हैं। पहली रामलला की नई मूर्ति को रखना और दूसरा निर्माणाधीन मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने 18 जनवरी को अयोध्या के सबसे बड़े मंदिर मणि रामदास की छावनी के प्रमुख और राम जन्मभूमि न्यास और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख नित्य गोपाल दास को 18 जनवरी को भेजे गए एक पत्र में ये चिंताएं जाहिर कर दी। उन्होंने लिखा कि बुधवार शाम समाचारों के जरिए उन्हें मालूम हुआ कि रामलला की मूर्ति किसी स्थान विशेष से राम मंदिर परिसर में लाई गई है और उसी की प्रतिष्ठा निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में की जानी है। खबरों में एक ट्रक भी दिखाया गया जिसमें वह मूर्ति लाई जा रही बताया गया। उन्होंने आगे लिखा कि इससे यह अनुमान होता है कि नवनिर्मित श्री राम मंदिर में किसी नवीन मूर्ति की स्थापना की जाएगी, जबकि श्री रामलला विराजमान तो पहले से ही परिसर में विराजमान है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यदि नवीन मूर्ति की स्थापना की जाएगी तो श्री रामलला विराजमान का क्या होगा। इसी पत्र में उन्होंने आगे कहा कि अभी तक राम भक्त यही समझते थे कि यह नया मंदिर श्री रामलला विराजमान के लिए बनाया जा रहा है, पर अब किसी नई मूर्ति के निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठा के लिए जाने पर आशंका हो रही है, कहीं इससे श्री रामलला विराजमान की उपेक्षा न हो जाए। जानकारी के लिए बता दें कि सनातन हिंदू धर्म के शीर्ष आध्यात्मिक गुरु यानी चारों शंकराचार्य अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनने से इनकार कर चुके हैं। खुद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था कि आंशिक रूप से निर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, राजनेता को धार्मिक नेता बनाया जा रहा है या परंपराओं के खिलाफ है। वहीं इस पूरे मामले पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने साफ कहा है कि विराजमान रामलला मुकदमा जीते हैं, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। नवनिर्मित गर्भगृह में वे भी प्रतिष्ठित किए जाएंगे। अचल विग्रह के ठीक सामने सिंहासन पर उन्हें चारों भाइयों समेत विराजमान किया जाएगा। रोजाना उनकी पूजा आरती होगी। अचल मूर्ति स्थापित होने के बाद हिल नहीं सकेगी, इसलिए विराजमान रामलला उत्सव मूर्ति के रूप में यहां प्रतिष्ठित रहेंगे। पर्व व त्योहारों पर इसी उत्सव मूर्ति के साथ शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। चंपत राय ने साफ कहा है कि विराजमान रामलला आकार में बहुत छोटे हैं, ऐसे में भक्तों को ठीक से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे। भक्तों की भावना को देखते हुए एक बड़ी मूर्ति बनाने का निर्णय लिया गया था ताकि रामलला के मुखमंडल का दर्शन भक्त ठीक से कर पाएं। अचल मूर्ति 51 इंच की है, इसे 4 फीट ऊंचे सिंहासन पर विराजमान किया जाएगा। इस तरह मूर्ति की कुल ऊंचाई करीब 8 फीट हो जाएगी, ऐसे में भक्तों को सुलभ दर्शन प्राप्त हो सकेगा। अस्थाई मंदिर में रामलला चारों भाइयों समेत विराजमान है। विराजमान रामलला की मूर्ति मात्र 6 इंच की है। रामलला इस मूर्ति में एक हाथ में लड्डू लिए हुए घुटने के बल पर बैठे हैं। भरत की मूर्ति भी 6 इंच की है, जबकि लक्ष्मण व शत्रुघ्न की मूर्ति मात्र 3-3 इंच की है। गर्भगृह में हनुमान जी की भी 2 मूर्तियां हैं, इनमें से एक मूर्ति 5 इंच की है, जबकि एक बड़ी मूर्ति लगभग 3 फीट की है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी शंकराचार्यों ने राम मंदिर में अधूरे मंदिर में निर्माण कार्य को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं शंकराचार्यों की ओर से आ रही आपत्तियों को लेकर जब सीएम योगी से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की ओर से हर धर्माचार्य और हर आचार्य को समारोह का निमंत्रण भेजा गया है। ये प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है, किसी के मान या अपमान का नहीं। मैं रहूं सामान्य नागरिक या देश के बड़े से बड़ा धर्माचार्य, कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं है। हम भगवान राम पर आश्रित हैं, राम हम पर आश्रित नहीं है।